लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। फतेहाबाद की अनाज मंडी में आज दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब वहां मौजूद लोगों ने गेहूं की बोरियों से धुआं निकलते देखा। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग के कारण वहां पड़े सैकड़ों गेहूं के बैग झुलस गए और इनमें भरी गेहूं भी जल गई। इस घटना की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। मंडी में मौजूद व्यापारियों ने बताया कि आग ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। शॉर्ट सर्किट हुआ है जी, कोई तार से चिंगारी भड़की है, उससे ही आग लगी है जी। दो तीन हजार गट्टे जो मतलब उनको आग पहुंच गई है, बाकी बुझा ली है मौके पे आकर फायर ब्रिगेड ने, आगे कंट्रोल हो गया। हमारे को यहाँ टेलीफोन आया जी, उससे हमारे को पता लग गया, फायर ब्रिगेड को फोन करा, वो आ गए मौके पर आके, उन्होंने आके नुकसान 2-3 हजार गट्टे तो कम से कम उनको आग लगी है, जिनको दागी हुए हैं जी। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और लगभग 2-3 हजार गट्टे जो उसमें जल गए हैं। अच्छा, नुकसान तो है ही, बाकी जो लोडिंग का काम है हम अच्छी तरह कर रहे हैं और कोई भी व्यापार मंडल वालों को एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं मिलती किसी को भी, ये कोई गलत ना कहे। हम तो सेवा करने हैं, सेवा करने के लिए हैं और सेवा कर रहे हैं पूरी मंडी की, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। ये दुर्घटना दुखद है और ये किसी की बस की बात भी नहीं है। तो प्रशासन को बार बार कह रहे हैं, ठेकेदार को अच्छी तरह कह रहे हैं भी माल सुचारू रूप से हमें गाड़ियाँ दें और सही ढंग से माल उठे। हम तो अब भी कह रहे हैं और कल हमारा 92,000 गट्टा लोड हुआ था, आज 6 लाख से ऊपर होगा। हम तो सुबह 6:30 बजे से रात को 9 बजे तक ड्यूटी देते हैं इसी काम के लिए। तो कितने का नुकसान है और किसका नुकसान है? नुकसान तो जिस ये आरती का ही है और किसका है, ये आरती का नुकसान है। 2,500-3,000 गट्टा जो मतलब हुआ है, ये आग लगी है, नुकसान तो आरती का है, इसमें कुछ शक नहीं है। नेशनल बस के लिए फतेहाबाद से विष्णु नाडोड़ी की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।